नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं अवधेश और चलिए शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का हुआ शानदार आगाज। पीएम मोदी सत्र की कार्रवाई में हुए शामिल। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही लगे मोदी मोदी के नारे। आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति से की शिष्टाचार भेंट। करीब 30 मिनट से ज्यादा देर तक हुई दोनों के बीच में बातचीत। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन नितिन गडकरी से मिले योगी आदित्यनाथ। दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट तक हुई मुलाकात। नितिन गडकरी ने यूपी में जीत को लेकर दी बधाई। उन्नीस मार्च को देहरादून आएंगे भाजपा के पर्यवेक्षक। 19 मार्च को होगी विधानमंडल दल की बैठक। 20 मार्च को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पुष्कर धामी को फिर सीएम बनाए जाने की संभावना। ऐतिहासिक जीत को लेकर आज लोगों का आभार जताएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। हरिद्वार से मदन कौशिक निकालेंगे जन आभार यात्रा। दोपहर 1 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। हार के बाद समाजवादी पार्टी के नेता करेंगे समीक्षा बैठक। 21 मार्च के बाद विधानसभा क्षेत्रवार करेंगे मंथन। बढ़े वोट बैंक को बरकरार रखने की होगी पूरी कोशिश। विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट में भाजपा पर भारी। सपा को मिले 2,27,000 से अधिक वोट। भाजपा को 1,47,000 से अधिक वोट मिले। सपा के पुरानी पेंशन बहाली के दांव को माना जा रहा है वजह। भाजपा ने मांगा जिलों से एमएलसी के नामों का पैनल। क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रभारी एमएलसी के नामों का पैनल भेजेंगे। आज शाम तक प्रदेश मुख्यालय आएंगे संभावित प्रत्याशियों के नाम। कल भाजपा संगठन की बैठक में फाइनल होंगे नाम। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा सांसदों ने दिखाया विक्ट्री साइन। संसद भवन के बाहर सभी नेताओं ने चुनाव में मिली जीत को लेकर जाहिर की खुशी। यूपी बोर्ड ने परीक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक टोल फ्री नंबर पर छात्र पूछ सकते हैं अपने सवाल।